हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसका जो पहला पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो का, वरना ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इससे पहले हम कुछ ऐसी कमोडिटीज देखेंगे जो हम रोजाना यूज करते हैं या देखते हैं कोई और यूज कर रहा है, वो किस तरह यूज की जाती है थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ आइए, अब देखिए हमने यहाँ ली है कॉन्स्पिक्यूस या लग्जरी आइटम्स। कॉन्स्पिक्यूस लग्जरी आइटम्स में कौन कौन से आते हैं? आपके एंटिक्स आ जाते हैं, जो पुरानी मूर्ति है, चित्रकला की कोई प्रदर्शनी में आपने देखा होगा, बहुत सारी पेंटिंग्स जो बहुत पुरानी है जिनकी बहुत यूजफुलनेस है, वैल्यू है, क्योंकि वो अकेली ऐसी चीजें हैं जो हजारों साल पुरानी है। हजारों साल पुरानी वस्तुएं हो या विंटेज कार्स हो, वाइन्स हो, जो होती हैं, जैसे कार है बहुत पुरानी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में 100-150-200 साल पहले बनी हुई कोई कार है, किसी राजा महाराजा की कार है, ऐसी कार्स की भी बहुत डिमांड होती है लोगों में। देन फॉरेन ट्रिप्स, जो बहुत ही अलग अलग जगह पे जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स जो होती है बहुत महंगी होती है। तो कॉन्स्पिक्यूस, देखिए कॉन्स्पिक्यूस क्या हो, जिनसे कि आप शोबाजी करें, यानी कि जो मतलब नेसेसिटी ना हो, आपकी जरूरत इतनी ज्यादा पूरी ना करे, आपको खुशी प्रदान करे, आपको बहुत अच्छा लगे। जैसे डिज्नीलैंड जाना मुझे पसंद है, मैं डिज्नीलैंड जाऊं, लेकिन वो मेरे लिए कॉन्स्पिक्यूस आइटम है। क्यों? क्योंकि लग्जरी है। आई एम नॉट अ सुपर रिच, मैं सुपर रिच नहीं हूँ, आई एम ए प्रोफेसर, तो ऐसी चीजें हमारी कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स होती है। हाँ, ऐसा है कि सुपर रिच लोगों के लिए ये भी नीड होती होंगी, लेकिन हम लोग जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के लिए, हमारे लिए ये कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मल फ्रिज आपने हर घर में देखे होंगे, बड़े बड़े फ्रिजेस, लेकिन 3-4 फ्रिज होना, डबल डोर फ्रिज होना, बहुत बड़े बड़े फ्रिज होना, ये अपने आप में बड़ी बात है, कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स में होते हैं। और जैसे आप कहीं गए, आपको देखने से ही लग रहा है कि लग्जरी आइटम है, डायमंड का सेट है, गोल्ड की ज्वेलरी है, बहुत भारी भरकम सिंहासन टाइप, बहुत बड़ी चेयर, उसमें सोना जड़ा हुआ, तो देखने से लगता है कि हाँ भाई, मतलब शान और शौकत छलकती है उसको देखने से, वो कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स में आ जाते हैं आपको, ठीक है, इजिली विजिबल हो जाए आपसे लग्जरी जिस चीज से। फॉरेन ट्रिप्स हो गई, यॉट्स है, आइलैंड्स है, अब किसी ने कहा भाई मेरे पास यॉट है, यॉट सुनते ही हमें लगा यार कितना रिच आदमी है या कितनी रिच लेडी है जिसके पास यॉट है या आइलैंड है किसी के पास, जैसे जैकलिन फर्नांडिस जी के पास आइलैंड है, और बहुत सारे ऐसे लोग इनके पास आइलैंड्स है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग इनके पास आइलैंड्स है, या रिच लोगों गाड़ी सुन के आपको लगेगा हाँ भाई रिच तो होगा ही बंदा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स है। आप इनके बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्या ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, किसी के लिए भी, देखिए रिच हो, सुपर रिच हो, या मिडिल क्लास हो, या पुअर हो, किसी के लिए भी ये जान नहीं बचा सकती, किसी के लिए भी ये खाना खाने जैसी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा, मतलब ये नेसेसिटीज नहीं है। ओके, देन ब्रांडेड क्लोथ्स, ये भी थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आजकल रोजमर्रा की लाइफ में हमें थोड़े बहुत चीजें चाहिए, ऑफिस जाना है, किसी नॉर्मल सी मीटिंग में जाना, तो थोड़े बहुत एक डिसेंट कपड़े हम प्रोफेशनल्स लोग पहनते हैं कि हाँ भाई इसकी फिटिंग ठीक होगी, अच्छा होगा। और ब्रांडेड क्लोथ्स ऐसा नहीं कि वो लाखों से शुरू होते हैं, नॉर्मली 2-4 हजार से शुरू हो जाते हैं, तो नॉर्मली लोग उन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। अफोर्ड करने के लिए उन्हें जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सुपर रिच होना जरूरी है, तो नॉर्मल व्हीकल्स है, जैसे आपकी ऑल्टो है, मारुति 800 शायद बंद हो गई, वो तो मुझे यार पता भी नहीं ढंग से, नॉर्मल रेंज की जो कार्स होती हैं, छोटी स्मॉल कार्स हैं, वो सारी कार्स, फोन्स हो गए आपके, फोन 2-3 हजार से शुरू हो गए, वो आजकल ऐसे आइटम्स हैं जो थोड़ा हाँ जरूरी हो गए हैं लोगों के लिए। आउटिंग्स हो गई, थोड़ी बड़े से पार्क में जाना है, छोटे बड़े रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट यहाँ हमने लिख रखा है, पार्टीज हैं, स्नैकिंग है, छोटा मोटा कुछ भी, हमें कुछ भी स्नैक खाना है, वो 10-20-50 खर्च करके भी आप खा सकते हैं। स्कूल है, पर स्कूल के टाइप्स जो है वो डॉक्टर्स, इस टाइप का हम कैटेगरी दूसरी हमने ली है। अब मैं बताऊंगी क्या क्या इलास्टिसिटी इनसे कनेक्टेड है। तीसरी कैटेगरी जो हमने ली है, हैबिट फॉर्मिंग है, इसमें कॉफी है, टी है, कोका कोला, कैडबरी, मैगी, मिल्क, ग्रीन टी, फूड आइटम्स, ये क्या हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब लत सी लग जाती है, हमारे जबान को पसंद आने लगे तो हम चाहते हैं कि हम वही चीजें खाएं। जैसे कि आप कोलगेट से ब्रश करते हैं, अगर लिखा कि नहीं, हाँ नहीं लिखा है, अब आपके दांत तो किसी से भी साफ हो सकते हैं, आप दंत मंजन कर दीजिए, मेथी से साफ कर लीजिए, कुछ लोग आयुर्वेद में नमक और तेल से भी, सरसों का तेल मिला के साफ कर लेते हैं, लौंग का जो चूर्ण है उससे भी साफ कर लेते हैं, तो दांत तो किसी से भी साफ हो जाते हैं, बबूल है, मिसवाक है, सिबा का, बिना का, फॉरहेंस,
पेप्सोडेंट पता नहीं कितने टूथपेस्ट निकले, लेकिन आपको पता नहीं कोलगेट का टेस्ट हो सकता है पसंद हो, तो आप कोई दूसरा पेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि उसका कुछ ऐसा रीजन नहीं बता सकते कि भाई ये जरूरी है, दांत बहुत ज्यादा चमका देगा, बीमारियों से बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो लॉजिक जो एडवर्टीजमेंट में दिया जाता है, देखिए वो एडवर्टीजमेंट का लॉजिक है, उसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। नीम की दातुन से आपके सबसे ज्यादा अच्छे दांत साफ होते हैं, बबुल की दातुन से बहुत साफ होते हैं। तो लॉजिक जो कोलगेट का, वो लॉजिक अलग है, लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग है। अगर आपको कोलगेट का टेस्ट पसंद है ना, तो फिर आप दूसरे पेस्ट को जल्दी से हाथ नहीं लगाने वाले हैं। देन एडिक्शंस कौन कौन सी, जैसे लिकर, कोई भी बियर हो गई, वाइन हो गई, और पता नहीं कौन कौन सी होती है, मुझे इतना नहीं पता। देन आपकी ब्रांडी, हाँ हाँ, विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, बिकॉज माई फादर वॉज इन आर्मी, तो मुझे कुछ कुछ याद आया बचपन से। देन सिगरेट, सिगार, पान मसाला, ड्रग्स हो गए, च्यूइंग गम्स हो गए, टोबैको है, रेडबुल जैसी चीजें जो आजकल ड्रिंक्स चल रही हैं, जिनमें शायद थोड़ा परसेंटेज आपका अल्कोहल का होता है, तो वह एडिक्शंस है, उनको लत लग जाती है, आपको लत लग जाती है उनकी। अब ये स्मैक ब्राउन शुगर तो बहुत हाई लेवल की लत हो गई, लेकिन नॉर्मल जो लत है ये सारी, जो ड्रग्स में हमने किया है ना, ये ड्रग्स में आपका ये चीज है। कई बार तो देखिए मैं आपको बताऊं, हैबिट फॉर्मिंग में आपका च्यवनप्राश जैसी चीजें भी आ जाती है, मिल्क है, कुछ लोग च्यवनप्राश के बिना दूध ही नहीं पीते, ठीक है। तो अपनी अपनी आदतें हैं, यहाँ पे एडिक्शंस में हमने देखिए, ये एडिक्शंस क्या खतरनाक चीजें होती है थोड़ी सी। एसेंशियल्स, अब जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो, एसेंशियल्स मतलब आपके फूड आइटम्स हो गए, आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, मेडिसिन हो गया, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन पहले वीडियो में भी किया है। इलास्टिसिटी क्या है, कौन से टाइप्स की हैं, वो हम डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कल हमने प्राइस इलास्टिसिटी देख ली थी, आज हम आगे बढ़े हैं डिग्रीज पे, उसके डायग्राम बना के देखेंगे हम सारे, राइट। तो एसेंशियल्स में क्या, सॉल्ट, शुगर, मेडिसिन, दवाइयों के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, बीमार हो गए दवाई चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, वरना आपके जान के लाले पड़ सकते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कट जाए, छिल जाए, कुछ भी हो जाए आपको हेल्थ वाइज, तो आपको मेडिसिन जरूरी है। डॉक्टर्स बहुत जरूरी हैं, उनकी फीस कम ज्यादा आप नहीं देखते, देनी ही पड़ती है डॉक्टर की फीस, चाहे उधार लेके दो, बैंक से लोन लेके दो, किसी से कुछ भी करके दो, आपको डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है। लॉयर्स, जेल चला गया कोई, कोर्ट केस में हम फंस गए, कुछ भी ऐसा हुआ जो लीगल तौर पे हुआ है और वो हमें लीगल सलाह चाहिए, कुछ भी चाहिए हेल्प, तो हम लॉयर के पास जाएंगे, उसकी फीस भी फिक्स होती है लॉयर्स की भी। देन स्कूल्स हैं, स्कूल की फीस में जाके आप बार्गेनिंग करते हैं, भैया ये 4000 रुपये पर मंथ जा रहे हैं, तो आप 2000 हमारे बच्चे से ले लो। हाँ, कोई स्पेशल रिकमेंडेशन डाल के कि भाई हम आमदनी के तौर पे हम थोड़े वीक हैं, कुछ है, तो वो अलग चीजें हैं, नहीं तो स्कूल की फीस फिक्स होती है। डॉक्टर्स, और ये एसेंशियल्स में आती हैं सारी की सारी। डॉक्टर्स मैंने सॉरी भाई दो बार लिख दिया, माफ कीजिएगा, आप इसमें आयुर्वेद का कुछ लिख लीजिए, ठीक है। देन अब ये हमारे कई कैटेगरीज के हमने आइटम लिखे, अब पहली जो कैटेगरी, वापस आते हैं पहली कैटेगरी पर, कॉन्स्पिकियस या लग्जरी आइटम्स। मैंने पहले बताया जीवन यापन के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं, और लेकिन आप अपने दिमाग में लगाओ ये चीजें आप कब करोगे। सिंपल सी बात है, जब बहुत पैसा होगा, जब एक्स्ट्रा पैसा होगा आपके पास, जब ये चीजें करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये असेंशियल नहीं है, हमारे बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम इनके बिना आराम से मस्त वाला बनकर पूरा जीवन गुजार सकते हैं। आयरलैंड नहीं है कोई बात नहीं, यॉट नहीं है कोई बात नहीं, फॉरेन पे नहीं, ट्रिप पे पता नहीं हमारे जैसे कितने लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं गए, तो मर नहीं गए। विंटेज कार हार्डली किसी घर में होती है, एनडीसी किसके घर में है, हमने तो जल्दी से नहीं देखी, तो सुपर रिच लोगों के घर में ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, जब बहुत पैसा होगा तभी चीजें आएंगी। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है इसका। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एल बनाना है, मैं हमेशा इकोनॉमिक्स में बताती एल बनाओ फटाफट। अब एल में क्या है, ये ओरिजिन है, हमने एल बना लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, किसी में भी जहां हम ग्राफ बना रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो पड़ा हुआ होता है, और ये आपका स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मली जब हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लेंगे प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे लेंगे क्वांटिटी। हो गया हमारा तैयार, हो गया हमारा बेस। अब यहाँ देखो, किसी चीज की अगर प्राइस, हम यहाँ पे कोई डिमांड है इन चीजों की, जो भी आपकी यॉट्स है, फॉरेन ट्रिप्स है, कुछ भी डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस चीज पर डिमांड सपोज, यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड सपोज आपकी, प्राइस थोड़ा ऊपर लेते हैं भाई, क्योंकि हम दिखाएंगे भी ना कुछ यहाँ पे चमत्कारी। प्राइस हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, प्राइस ले लिया। अब इस प्राइस पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड सपोज इतनी है,
Q1 रखते हैं, कुछ भी, मतलब इस पर नंबर नहीं दे रहे हम। अब बहुत सारी चीजें तो नंबर क्या देंगे, एंटिक्स की सपोज 20 एंटिक्स की डिमांड है हमारे पास में, तो हम नंबर नहीं दे रहे, Q1 यानी क्वांटिटी 1। इसमें आप 10, 20, 50, 2000, 10000 कुछ भी ले लो, मतलब अगर आप अपने देश के लिए तो हो सकता है 100 मूर्तियों की डिमांड हो, लेकिन पूरे संसार के लोगों को तो 1000 मूर्तियों की डिमांड होगी। तो इसको हमने Q1 रख लिया है, या कोई भी क्वांटिटी आपको जो लगे फिक्स कर लेना है, यहाँ पे आपकी मर्जी। प्राइस यहाँ पर आप 10000 रख लो, 20000 रख लो, 1000000 रख लो, वो अभी प्राइस भी आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ प्राइस हमने ये रखा, क्वांटिटी ये रखी, अब इन दोनों को यहाँ पे ये पॉइंट, इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे ऐसे देखा करो, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। आप स्केल भी ले सकते हैं, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है डायग्राम्स बनाने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको पी को यहां से ले जाओ ऐसे, और क्यू वाले को ऐसे करके ऐसे जोड़ दो, या ऐसे जोड़ दो, ऐसे ले आया, ये जुड़ गया आपका, दोनों हो गए, ठीक है। अब सपोज करो इसका प्राइस घट गया, हम तीनों कंडीशन से प्राइस घटा के देखेंगे, बढ़ा के नहीं देखेंगे। बढ़ा हुआ तो आपको समझ में आई, जब बढ़ा हुआ तो ऑलरेडी है ही, अब घटा के देखो। अगर प्राइस P1 से P2 हो जाए, राइट, P1 पर Q1 डिमांड थी, P2 पर देखते हैं कितनी है। थोड़ा ग्राफ आगे खिसकाओ इसको, हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे थोड़ा सा कर दिया हमने, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां पे देखिए, इस पर अगर हमारी डिमांड Q1 से बढ़कर P2 डिमांड, मतलब प्राइस घटा हमारा, प्राइस घटता कैसे, नीचे की तरफ घटता, याद रखना, मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया लेकिन फिर बता रही हूँ, घटेगा इस तरफ और बढ़ेगा इस तरफ। देखिए एरो का साइन, ये एरो का साइन है, इसका मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस तरफ बढ़ेगी, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ, एरो के डायरेक्शन में बढ़ेगा। एरो इसलिए आपको डायरेक्शन दिखाते हैं कि इस तरफ आपकी इंक्रीज होने वाली है। इंक्रीज हुआ, अब हमारा प्राइस P1 से घटकर, घट गया, डिक्रीज हो गया, फॉल हो गया, डिक्लाइन हुआ, तो कितना हुआ, P2 हो गया। अब इस P2 पर सपोज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q2, मतलब एकदम से कितनी ज्यादा बढ़ती, देखो कितना सारा गैप है। यहां जो गैप था डेल्टा क्यू कहेंगे, डेल्टा यानी चेंज, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। डेल्टा तो चेंज की चीज में हो तो डेल्टा हम लिख देते हैं, वहां ट्रायंगल बना देते हैं, चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा, ये सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे Q1 लो, अब इस Q1 और P2, Q2 और P2 को कर दो, जोड़ दो, ऐसे ले जाओ डैश डैश बना के, आप स्केल यूज कर सकते हो, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये क्या बहुत ज्यादा है, यानी कि थोड़ा सा भी प्राइस घटने पे इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई, लेकिन डिमांड कौन बढ़ाएगा इनकी, बढ़ाएगा कोई सुपर इंसान ही, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूस आइटम्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, ए और बी लिख दो चाहे ऐसे। अब ये देखो यहाँ जो ये डिमांड कर्व बन रहा है वो कैसा है, अब DD जो डिमांड कर्व है ये है, लेकिन थोड़ा स्लिपरी होता है व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये DD डिमांड कर्व है, ये ऐसे जा रहा है और हल्का सा स्लेंट है, जेंटल स्लोप है इसका, और देखिए ऐसा स्लोप है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जेंटल स्लोप वाला कर्व है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कर्व, इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है यहाँ पे, इलास्टिक है, या फिर हाईली इलास्टिक कह सकते हैं इसको। कई बुक्स में आपको हाईली इलास्टिक मिलेगा, हाईली HIGHLY, हाईली इलास्टिक या इलास्टिक, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे ब्रांडेड क्लोथ्स पर, इनका क्या होता है। अब जैसे सपोज हमारी ब्रांडेड शर्ट्स नॉर्मली 800-900, 1000-1500 से शुरू होकर जो लोअर ब्रांड्स हैं वो बहुत ऊपर तक पहुंचती है, लेकिन हम मीडियम ब्रांड्स रखेंगे, 1000-2000 वाली रखेंगे। अब देखिए नॉर्मल व्हीकल्स हैं, फोन्स हैं, तो हमारा फोन सपोज पहले 10000 का था, फिर हम 20000 का खरीद लेंगे। जैसे कि कोई हमारी इनकम बढ़ी वो तो हम फैक्टर देख नहीं रहे, लेकिन सस्ता हो गया तो हम क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ही फोन था, ठीक है, 10000 का फोन है, एक ही फोन था, सपोज वो फोन घटकर 5000 का हो गया, हम क्या करेंगे। अब दो फोन ले सकते हैं, एक अपने किसी को, जैसे अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को दे सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं जो 12th में है, हम दे सकते हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि भाई उतने ही दाम में हम दो चीजें खरीद सकते हैं, नहीं प्राइस क्या हुआ, हाफ हो गया, डिमांड डबल हो गई। अब देखो यहाँ क्या होगा, आप फिर से एल बना लो, बहुत आसानी से आप स्केल से बना सकते हैं, ऐसे एल बना लिया आपने, ये कौन सा एक्सेस है जल्दी बताओ, ये है वाई एक्सेस, एरो बनाओ यहाँ पे, एक्स ये एक्स एक्सेस है, ये कौन सा एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल नीचे लेटा हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रेट आपका स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है। देन यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, प्राइस वर्टिकल एक्सेस पे लेंगे हमेशा, और क्वांटिटी कहाँ लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे, रिविजन भी करते जाएगा साथ साथ में। और ये है ओरिजिन,
जहाँ से आपकी सब चीजें ओरिजिन जीरो से शुरू होती हैं। ये जीरो लगा लो, इसको जीरो है, ओरिजिन है ये। अब यहाँ देखिए आपका प्राइस फिर से ले लो कुछ भी। अब यहाँ प्राइस आपने लिया P1 लिया, P1 पर सपोज आपकी यहाँ पे Q1 ले लो, Q1 क्वांटिटी है, मतलब एक किसी प्राइस पर सपोज आपकी 10,000 पे आपने एक फोन लिया, Q1 क्वांटिटी है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो फिर से, बहुत आसान चीजें हैं। देखिए फालतू में किताबों में जो टेक्निकली आप जो पढ़ते हैं तो चकरा जाते हैं, वो फालतू की चीजें हैं, बहुत आसान आपकी जिंदगी से चीजें ली गई हैं, ठीक है। अब देखो प्राइस सपोज इसका आधा हो गया, अब 10K था, सपोज हम 10K ही ले लेते हैं, हमने आपको समझाया, अब ये 5K हो गया। अब 10K में हमारा एक फोन की डिमांड थी सपोज हमारे घर से, और 5K पर सपोज हमारी, इसको डबल कर दो सपोज। ऐसी चीजों में ऐसा ही होता है कि जब आधी कीमत हो जाए तो हम सोचते हैं चल दो ही ले लें। ब्रांडेड शर्ट्स है, अगर 2,000 की एक मिल रही है तो हम एक ले लेते हैं, अगर 1,000 की एक मिल रही तो हम दो ले लेते हैं, मतलब प्राइस आधे हो गए तो हमारी डिमांड क्या होगी, डबल हो गई। ऐसी चीजें हमेशा, देखो ऐसा नहीं होता है, और एग्जैक्टली दाम आधे भी नहीं होते हैं। और ये ग्राफ किस तरह मूव करता आगे मैं और आपको और अच्छी तरह बताऊंगी। डी ये डिमांड कर्व हो गया आपका। अब इसमें देखिए आप प्राइस यहां पर क्या हुआ है, ये P2 था, आधा हुआ, और डिमांड क्या हुई, डबल हो गई। जब ऐसा हो कि प्राइस आधा होने से डिमांड डबल हो जाए, इसे यूनिट इलास्टिक कहते हैं। यानी कि जब कभी जितनी ज्यादा कमी आपकी प्राइस में आएगी उतना ही ज्यादा बढ़त आपकी आपकी डिमांड की हो जाए, उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ये हम बाद में डिटेल में न्यूमेरिकल फॉर्मूला से अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी आप ग्राफ समझिए किसे ड्रॉ करते हैं। इसको ग्राफ को ड्रॉ करने का टेक्निकल तरीका है, जब आपका कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स आए ना, आप क्या करना, प्राइस लेना, प्राइस पर डिमांड थोड़ी कम रखना, ठीक है। अब जब प्राइस घटाओ, जो इनिशियल प्राइस, जिसको जो शुरू में हम प्राइस लेते हैं ना बच्चों, उसे हम इनिशियल प्राइस कहते हैं, और जो बाद में लेते हैं उसे फाइनल प्राइस कहते हैं, जो फाइनली हमने दूसरा वाला लिया। जो इनिशियल प्राइस है उस पर डिमांड थोड़ी कम रखना, क्वांटिटी कम रखना, और कंस्टिट्यूएंट आइटम से जब प्राइस घटाओ तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देना, आपका ग्राफ अपने आप सही आएगा, आपको कोई दिक्कत लगाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली बहुत आराम से ग्राफ बनते हैं, बस आपको उनके पीछे का लॉजिक समझना पड़ता है। इनमें क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़े से भी घट जाए तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है। सपोज कोई आपकी यॉट है, सपोज आपका 1 करोड़ रुपए का है, सपोज वो 90 लाख रुपए का आने लग जाए तो प्राइस कम घटा, देखिए उसकी 1 करोड़ की मतलब बस 10 लाख ही घटे या 5 लाख घट जाए, उसके अचानक से बहुत से लोग 5 लाख घटने में बहुत सारे लोग डिमांड करने लग जाए। या कोई एंटीक आइटम्स है तो उनके प्राइस कम घटते हैं लेकिन डिमांड एकदम बढ़ जाती है। लेकिन इसका उल्टा भी वैसे ही होता है कि अगर प्राइस थोड़े से बढ़ जाए तो डिमांड बहुत घट भी जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, दे आर हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मतलब इनकी डिमांड हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपनी मर्जी से। जब प्राइस घटेगा बढ़ेगा, यानी कि प्राइस का इनकी डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, राइट। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर प्राइस सेंसिटिव, इन्हें कहेंगे प्राइस सेंसिटिव या हाईली प्राइस रिस्पॉन्सिव। प्राइस सेंसिटिव जो नॉर्मल लाइफ में आप कहते हैं, एंड हाईली प्राइस रेस्पॉन्सिव। तो प्राइस रेस्पॉन्सिव होते हैं कि इसका मतलब इनके ऊपर प्राइस के घटने का बढ़ने का दोनों का ही ज्यादा असर पड़ता है। क्यों, देखो अगर प्राइस यहां पे घट रहा है तो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और प्राइस अगर इतना सा बढ़ रहा है, देखो प्राइस का बढ़ने का डेल्टा पी कितना है, यहां पर देखा होगा आपने बुक्स में डेल्टा पी, जो ये गैप है इसको डेल्टा पी कहेंगे, चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर आपका 1 करोड़ प्राइस था शुरू में, और वो घटकर 90 या 95 लाख जो भी रखना चाहो हो गया, अब उसकी वजह से प्राइस तो घटा इतना सा, क्योंकि डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई, आपने देखिए इतना ज्यादा गैप है। ये क्या है आपका, ये डेल्टा क्यू है आपका, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब क्वांटिटी पर बहुत असर पड़ गया, ठीक है। ये हाईली प्राइस रिस्पॉन्सिव हाईली इलास्टिक डिमांड्स होते हैं। तो हाईली इलास्टिक का कर्व कैसे होगा, ऐसे यूं स्लैंटिंग कर्व होता है, ऐसे वाला जेंडर स्लोप होता है इस तरह से, ठीक है। अब इसका कैसा है, इसका कर्व है आपका ऐसे, तो कर्व में अंतर है, ये स्लैंट है, ये स्टीप स्लोप है, ये जेंडर स्लोप है, दोनों का अंतर समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे वाले पे, हैबिट फॉर्मिंग चीजें। हैबिट फॉर्मिंग चीजें में क्या होता है कि हम इतने ज्यादा मजबूर होते हैं अपने आप से कि प्राइस का घटना बढ़ना हमारे बहुत ज्यादा असर नहीं डालता। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा असर डाला था, ये हाईली प्राइस रेस्पॉन्सिव थे,
ये यूनिटरी प्राइस रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितना प्राइस घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से हम अपनी डिमांड को घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो थोड़ा इजी होता हमारे लिए घटाना बढ़ाना। लेकिन ये चीजें जितनी भी हैं जो तीसरी कैटेगरी की चीजें हैं, इन्हें घटाना और बढ़ाना दोनों ही थोड़ी सी मुश्किल चीजें हो जाती हैं। क्यों? अगर आप एक दिन में 4 चॉकलेट्स खा रहे हैं तो पांचवी छठी चॉकलेट शायद नहीं खाओगे। एक दिन में अगर आप 1 चम्मच नमक खा रहे हैं तो आप 2-3 चम्मच नमक एकदम से ना तो घटा सकते ना बढ़ा सकते, वो चीज होती है। ऐसे दूध अगर 2 ग्लास पीते हैं तो तीसरा ग्लास दूध आप नहीं पिएंगे और 1 ग्लास दूध कम भी करना पसंद नहीं करेंगे। ये चिंग गम्स है, टोबैको है, रेड बुल है, ऐसी एसेंशियल्स हैं जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी तो दोस्त से फालतू थोड़ी ले लोगे। अगर प्राइस घट गया, सोचो पेरेस्टामोल के दाम घट जाए तो ऐसा थोड़ी कि 3 टेबलेट खाने को डॉक्टर ने कही आपसे, अरे आप बोलोगे दाम घट गए मैडम हम तो 10-20 खा लेंगे, आप क्या तो बहुत सस्ती पेरेस्टामोल, ऐसा नहीं होता। कोई भी टॉनिक है, मेडिसिन है, लॉयर है, लॉयर सस्ते हो गए तो जाके रोज केस कर दो, रोज चलो भैया हम तो बेल ले लेंगे, लॉयर तो बहुत सस्ता है, उसकी फीस सिर्फ 200 रुपए है, हम जाके रोज पिटाई करेंगे, रोज जेल जाएंगे, ऐसे नहीं करते हम लोग। क्योंकि इनका हमारे ये एसेंशियल्स है, ये जब जरूरत होगी हम जब ही यूज करेंगे और उसकी उतनी ही फीस हमें देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस के घटने का और बढ़ने का दोनों का ही इन पे खास असर नहीं पड़ता, बहुत कम असर होता है। मतलब जब हम मजबूरी हो जाए तभी हम ऐसा कुछ करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये वाले जो हमारा सेक्शन के कमोडिटीज है किस तरह काम करते हैं। फिर से एल शेप बना लो आप, इसके डायग्राम देखते हैं किस तरह काम करता है। एल शेप बनाया हमने, ओ लिया, एक्स लिया, एरो बनाया ऊपर की तरफ, फिर आपने वाई ले लिया। अब कोई भी कमोडिटी ले लो, कौन सी ले भाई, देखिए आप एक काम करिए, आप मैगी ले लीजिए, आपका फेवरेट आइटम है बच्चों का। अब मैगी ले ली हमने, मैगी के दाम सपोज इतने हैं, आपके 20 रुपीज रख लीजिए, मुझे नहीं पता पर पैकेट दाम उसका कितना है, 20 रुपीज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 20 रुपीज है आपका, ठीक है। अब आपके मैगी के दाम अगर बहुत काफी सारे घट जाएं, अगर आपके मैगी के दाम सपोज हो जाएं आपके 12 कर लीजिए, यहाँ पे 10 रुपीज कर लीजिए आप। पहला जो हमारा क्वांटिटी है मैगी की, हम सपोज एक दिन में 4 पैकेट्स खा रहे हैं, सपोज हमारी डिमांड 4 पैकेट्स की है एक दिन में, ठीक है। हम डेली 20 रुपए वाली मैगी 4 पैकेट्स खा रहे हैं, हमारी डाइट में आ चुकी है और हमने ये पॉइंट्स दोनों Q1 था हमारा 4 पैकेट्स का, हमने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारी डिमांड है, हमारा पहला पॉइंट है। अगर मैगी के दाम आधे हो गए, ऑलरेडी हम 4 पैकेट खा ही रहे हैं, फुल कैपेसिटी में खा रहे हैं, एक इंसान की इतनी डाइट है, अब अगर 10 रुपए पर पैक हो गया है, ठीक है, तब ये देखिए हम अपनी डिमांड बता रहे हैं यहाँ पे, मार्केट की नहीं बता रहे। अब होगा क्या, हम ज्यादा से ज्यादा 5 पैकेट कर देंगे, इससे फालतू तो हम करने वाले नहीं है भाई। अब कितनी मैगी खाएंगे, कुछ और भी खाएंगे ना, आपके फ्रूट्स भी खाएंगे, कुछ और चीजें भी खाएंगे, हम इंडिविजुअल डिमांड ले रहे हैं, मार्केट डिमांड नहीं ले रहे। मार्केट डिमांड में तो क्या होगा कि जो और जो तबके हैं जो मैगी खरीद नहीं पा रहे थे वो भी आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ इंडिविजुअल डिमांड लेके चले। आप क्या करेंगे उसमें क्या होगा, आप 5वां पैकेट ले लेंगे, मतलब एक अब क्वांटिटी 2 जो Q2 आई आपकी थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ा पाए आप, क्योंकि ऑलरेडी वो एसेंशियल आइटम्स था आपके लिए, हैबिट फॉर्मिंग चीज थी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों पॉइंट को जॉइन करो, यानी कि ये जो है इसका बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है, देखो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है ये ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा घट गया है फिर भी आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। आप जितना खा रहे थे उससे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, उससे फालतू नहीं बढ़ा सकते, जबकि नमक में तो ऐसा कर ही नहीं सकते आप, बाकी लिक्वर थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हैबिट फॉर्मिंग चीजें तो हम ऑलरेडी इनको बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। या मेडिसिन है, मेडिसिन हम बिल्कुल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके दोनों के केसेस देखते हैं हम। अब हमारे 2 एक्सट्रीम केसेस बचे हैं। अब ये क्या था, हमारा हाईली इलास्टिक था, ये यूनिटरी इलास्टिक आपका, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा दिया, आप अपनी बुक में देखिएगा, मैं आपको अब डेफिनेशन बताऊंगी इनके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाईली इन इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक, इसका क्या मतलब है कि ये डिमांड्स बहुत ज्यादा रिजिड होती हैं, प्राइस के बहुत ज्यादा घटने बढ़ने पर भी इनकी डिमांड में बहुत कम अंतर आता है, यानी कि रिजिड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, रिजिड है, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है। ये क्या है, इक्वली फ्लेक्सिबल, मतलब यूनिटरी फ्लेक्सिबल है, जितना कम
दाम होगा उसी हिसाब से इनकी डिमांड घटती बढ़ती जाएगी, मतलब यूनिटरी है। इनमें जो इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी थी 1 होती है। देन यहाँ पे क्या है, ये हाई इलास्टिक है। तीन कैटेगरीज हमने कौन सी पढ़ी, हाई इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और हाईली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक हम और देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक वो चीजें होती हैं जिनके प्राइस बहुत थोड़ा सा अंतर, जरा सा भी अंतर आ जाए तो उनकी डिमांड बढ़कर इन्फिनिटी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे हाई जो परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड होती है वो नॉर्मली बाजार में पाई नहीं जाती, नॉर्मल लाइफ में नहीं पाई जाती, इसे बुक्स में ज्यादा हम देखने को मिलती है। वैसे डायमंड्स के लिए, ये कॉन्स्पिक्यूस आइटम्स के लिए कहा जाता है कि इनके दाम जरा से घट जाए तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे सोना, अब इन्फिनिटी नहीं होती, इन्फिनिटी यहाँ इकोनॉमिक्स में कहने का ये सेंस होता है इन्फिनिटी कि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसको इन्फिनिटी कह दिया जाता है। वरना इन्फिनिटी तो ऐसा है कि मतलब हर बंदा ही खरीदना शुरू करेगा, हर बंदा खरीदेगा वो जिसके पास पैसा होगा। यहाँ गिवन कंडीशन आप मान के चलिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि जिनके पास पैसा है वो होगा, वो सभी थोड़ा थोड़ा सोना अपना बढ़ा के खरीद लेंगे। जैसे अब यहाँ पे बहुत कम अंतर बताया गया, मतलब 1-2 रुपए का अंतर नहीं होता। यहाँ पे सोना है आपका, सपोज 50,000 पर आपके 10 ग्राम्स है, वहां पे अगर देखा जाए कि 46,000 हो गया, तो 4,000 रुपीज का वहां पे डिक्रीज हो गया, तो सोना एकदम से बहुत सारे लोग खरीदना शुरू करेंगे, उसी को इन्फिनिट थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका जो परफेक्टली इलास्टिक कर्व होता है डायमंड्स के लिए, गोल्ड के लिए, या बहुत ऐसे आइटम्स के जो बहुत लग्जूरियस है उनके लिए क्या होता है, यहाँ पे एल शेप हमने बनाया, ओ एक्स वाई, ठीक है, इनफाइनाइट, यानी थोड़े से प्राइस चेंज से आपकी डिमांड जो है इनफाइनाइट। अब डिमांड इनफाइनाइट होने का क्या मतलब, ये क्वांटिटी है यहीं पे आपकी डिमांड ली जाती, क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी कहते हैं इसको, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ इनफाइनाइटी इन्फिनिट हो जाती है, इनफाइनाइट का ये साइन इन्फिनिटी, ठीक है, ये है। तो ये क्या है यहाँ पे, अब वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू डिमांड बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब इट लीड्स टू इनफाइनाइट डिमांड, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट डिमांड, एंड दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आपकी बुक्स में लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि अ वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस लीड्स टू डिमांड टू इंक्रीज टू इनफाइनाइट लेवल्स। बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आपकी यूज की गई हूँ होंगी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूस, ये वाली हाई इलास्टिक के लिए क्या किया गया। अब हाई इलास्टिक को कई बुक्स में इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। यहाँ पे अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस लीड्स टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, ये आपका हाई इलास्टिक का डेफिनेशन होता है, यानी वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज। अब ये स्मॉल परसेंटेज चेंज कितना है, यहाँ पे बहुत स्मॉल परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज क्यों, पिछली वाली वीडियो में देखा कि परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं, परसेंटेज चेंज, चेंज के लिए हमने डेल्टा यूज किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्यूडी बाई पी होता है, क्यू बाई पी इसका फॉर्मूला है। डेल्टा किसके लिए, चेंज, यहाँ बहुत लंबा हम लिख सकते हैं इसको चेंज, हम पिछले वाले वीडियो में बताया, देख लीजिएगा आप। तो ये क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ है, ये हाईली इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड का ग्राफ है प्राइस इलास्टिसिटी में, इसका जो स्लोप होता है थोड़ा स्लेंटिंग होता है, फॉर्मूला ये है। यूनिट इलास्टिक में जितना रेशियो जो परसेंटेज होगी आपकी प्राइस के घटने की, वही डिमांड के बढ़ने की होगी। कैसे, 10% चेंज अगर आया है, घटत हुई है यानी घटा है 10% प्राइस में, 10% आपकी डिक्रीज हुई है, तो 10% ही आपका डिमांड बढ़ जाएगी, 20% डिक्रीज होगी 20% डिमांड बढ़ेगी, 30% डिक्रीज 30%, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि कैसे होगा, 30% चेंज इन योर, सॉरी यहां नीचे से लेते हैं, 30% चेंज इन योर प्राइस लीड्स टू 30% चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या हुआ, 0, 0, 3, 1, 3, 3, 1, 3, तो क्या हो गया, 1 आया। तो यूनिट इलास्टिक में इलास्टिसिटी होती है 1, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके देखने को मिलेगी, आपको ईडी जो मिलेगी इसकी होगी मोर देन 1, यहाँ 1 से ज्यादा होगी, यानी 2 होगी, 3 होगी, यहाँ की इलास्टिसिटी की डिमांड की कितनी रीडिंग होगी,
1.1 होगी, 1.2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आपकी इलास्टिसिटी, यानी मोर देन 1 होगी यहाँ पे। यहाँ होगी आपकी 1, मैंने पहले बताया ईडी इज इक्वल टू 1 लेंगे आप इलास्टिसिटी और डिमांड यूनिटरी में। तो यूनिटरी का क्या है, 1 है, हाईली इलास्टिक का मोर देन 1 है, इसका परफेक्ट इलास्टिक का इनफाइनाइट है, हाईली इलास्टिक का कितना है, लेस देन 1 है। ईडी यहाँ पे लेस देन 1 क्यों, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए परसेंटेज चेंज जो आपकी प्राइस में है, सपोज करिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज योर 20 एंड परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड इज ओनली 2, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा आपका, ये आपका लेस देन 1 में चला जाएगा। अब जब लेस देन 1 में चला जाएगा, ईडी इज लेस देन 1 यहाँ पे, अब लेस देन 1 में कितना आ जाएगा, 0.9 तक जाएगी आपकी, 0.1 0.2 ऐसे करके आपकी 0.9 तक जाएगी, 1 नहीं होगी ये पूरी तरह से, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह मूव करती है, और लास्ट वाली जो बचती है हमारी होती है परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी आपकी 0 होती है, आपको थोड़ा सा मिटा के दिखाते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये आपने फिर से एक्सिस बनाया, अब यहाँ पे नमक को ले लीजिए, यहाँ पे नमक सही बैठेगा, अब ओ एक्स ओ वाई हो गया यहाँ पे, अब नमक है यहाँ पे प्राइस का सपोज 30 रुपीज पर पैकेट ले लीजिए। अब 30 रुपीज पर पैक पर अगर आपके घर में 2 पैकेट्स नमक आता है हर महीने, अब ये 2 पैक है यहाँ पे हर महीने आ रहा है, अब अगर ये नमक घटकर 5 रुपीज पर पैकेट हो जाता है, P1 कितना था 30, P2 कितना है आपका 5 है, अब इसकी जो डिमांड है आपकी एज इट इज 2 पैकेट्स ही रहेगी, आप इससे फालतू नमक नहीं करेंगे, 5 रुपए हो गए तब भी ठीक है, आपको लगा सस्ता हो गया, आपकी रियल इनकम बढ़ गई, लेकिन आप नमक की क्वांटिटी बढ़ाएंगे नहीं। और अगर ये नमक बढ़कर 50 रुपए पर पैकेट हो जाए, 50 रुपीज, तभी भी आपकी डिमांड 2 पैकेट ही रहेगी, यानी कि प्राइस घटे या प्राइस बढ़े कुछ नहीं, 50 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, 500 रुपए भी हो जाए, आप 2 पैकेट नमक ही खाने वाले हैं एक महीने में, सब्जी में उतना ही डालने वाले हैं, क्योंकि नमक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम चाहकर भी ज्यादा खा सके, मिठाई नहीं है, चॉकलेट नहीं है, टॉफी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एसेंशियल आइटम है, जितना खाया जाएगा उतना ही खाया जाएगा, ऐसे पैरास्टामोल ले लीजिए, कोई दर्द की दवाई ले लीजिए, दवाई वगैरह ऐसी चीजें हैं जो उतनी ही खाई जाएगी, कुछ बुक्स ले लीजिए, ऐसा नहीं है कोई बुक है अगर आपकी आपने पहले खरीदी वो बुक 500 रुपए की, अगर वही बुक सस्ती होकर आपकी 50 रुपए की हो जाए तो दूसरी बुक क्यों खरीदनी, हमारे पास ऑलरेडी एक बुक है हम उससे ही पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ी है आपकी 10-10 रुपए में वो किताब बिकने लग जाए तो आप हर कोने में उस किताब को रखकर उसी किताब को पढ़ेंगे, यस उस किताब को नहीं पढ़ने वाले, आप दूसरी कोई किताब ले सकते हैं, चाहे वो महंगी होगी सस्ती होगी आपकी नीड पर डिपेंड करती है। तो जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है प्राइस चेंज में, यानी कि प्राइस चेंज होने का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, जिन वस्तुओं पर प्राइस के घटने या बढ़ने का कोई असर ना पड़े वो कहलाती है परफेक्टली इनलास्टिक कमोडिटीज। हालांकि ऐसी कमोडिटीज दुनिया में थोड़ी कम होती है, लेकिन नमक को मैं अक्सर मानती हूँ कि वो परफेक्टली इनलास्टिक है, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते घटा सकते। और यहाँ पे ईडी जो है आपकी वो आपकी कितनी है, 0 है। तो हमारे पास आपकी कितनी इलास्टिसिटीज आई, आपकी 5 तरह की परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। दूसरी कौन सी आई, हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। तीसरी आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। चौथी आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। एंड पांचवी आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ये 5 तरह की इलास्टिसिटीज आती हैं, इनके डायग्राम्स हमने सीख लिए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अगली बारी में हम इनकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, तो साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड गॉड ब्लेस यू।